नमस्ते, स्वागत है आपका इंडी गेमर्स पे। तो देखते हैं अभी लियो और खाई को आराम से नीचे पहुंचाना है। इन सबको पहले उड़ाना है, तो आराम से देखना पड़ेगा मुझे। इन सबको मुझे अकेले उड़ाना है। खाई मेरी मदद नहीं कर सकती क्योंकि वो लियो को संभाल रही है। और ऑलरेडी कोई तो ऊपर आ रहा है। Don't move, police. Just hanging out, man. तो इसे अरेस्ट कर लेते हैं। Someone's here, find him. Hey, check over there. और इधर पीछे रुकता हूँ, शायद वो ऊपर ही आएगा। Make sure no one's here. Search everywhere. Keep looking. Look around. और इधर रुकता हूँ, ये शायद ऊपर आ रहा है। Search everywhere. नहीं, कोई ऊपर नहीं आ रहा। अभी भी थोड़ी देर रुक के देखते हैं। You check over there. नहीं, कोई नहीं आ रहा, तो जाते हैं अभी नीचे। अरे ये देख लेगा अपने को। फटाफट फटाफट छिपना पड़ेगा। हाँ, छिप गए। ये भी शायद ऊपर आ रहा है अभी। Make sure no one is here. इधर सामने एक आदमी दिख रहा है। Look all अरे नहीं over. ये वाला ऊपर आ रहा है। इसे फ्रीज करते हैं। हाँ, बंदूक निकाल के। अरे ये देख लेगा, ये देख लेगा। और देख लिया। अरे ये किधर आया? हाँ पता है, खाए। वो आ रहा है ऊपर। नहीं, कोई आने की हिम्मत नहीं कर रहा है। छोड़ा था वो। मैं वापस नीचे आता हूँ। वो शॉटगन लेके आए हैं। शॉटगन नहीं, मशीन गन। अरे बाप रे, अभी शॉटगन लेके आए हैं। भागो भागो भागो। सिर्फ 22 गोलियां बाकी है। बहुत मुश्किल होने वाला है ये। और अभी सिर्फ 11। जैसे मार सकते हो क्या उसे? नहीं, थोड़ा मुश्किल होगा। गोलियों के बारे में भी सोचना है, तो नहीं मार रहा हूँ मैं उसे। बाकियों को देखते हैं, मार सकते हैं क्या। इसकी बंदूक लेते हैं, मैक 10। वो और गोलियां इसकी खत्म। वाह, कुछ नहीं कर सकता मैं अभी अभी के लिए। तो जाता हूँ वापस पीछे, बंदूक ढूंढता हूँ। इसमें 9 गोलियां मिल चुकी है। नौ गोलियां संभाल के इस्तेमाल करनी होगी। एक ही गोली बाकी है और 2 दोनों के पास मशीन गन है। 2 आदमी बाकी है उड़ाने को। अरे तो वही बंदूक है जो मैंने रखी थी। चलो ये 9 गोलियां का इस्तेमाल करके देखता हूँ कुछ होता है क्या। मैक्टिन से टारगेट करना हार्ड मुश्किल होता है मुझे। अरे बाप रे, ये तो हवा में ही उड़ा दी मैंने 9 के 9 गोलियां। अभी भागो, पीछे भागना पड़ेगा। अरे यार, टैक्टिकल गियर था ना रिसेप्शन में, वहां जाते हैं। हाँ ये रहा, खोलते हैं इस बक्से को।
देखते कौन सी अच्छी बंदूक है क्या। अरे M1911A1 है ना, इसे इस्तेमाल करते हैं। झाड़ता हूँ उसे गोली गोली से, बहुत बढ़िया है। और अभी सिर्फ एक ही आदमी बाकी है और 32 गोलियां। जाता हूँ बाहर, शायद इस ट्रक के पीछे है। हाँ उधर ही है। अरे वाह, हो गए सब मर गए। अभी बैठता हूँ ट्रक पे। Can you drive this thing? और लियो भी आ गए। Leo's in. Go, go. And you call my last operation a clusterfuck? Just drive. जाते हैं अभी। Captain Dawes, we've got Leo. Where do you want him? Things got complicated, sir. We're crossing over the causeway. We're in a truck. You'll see us. Okay, we'll do. Whoa! He's pissed. Yeah, I'm pissed. So where are we going? He's meeting us on the other side of the bridge. मैं रोकने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग। मशीन गन से इस्तेमाल करके। Hold tight. अरे बाप रे। That's Dawes. A helicopter? Leo's more important than you think. Follow the chopper. Watch it. ट्रक की भी हेल्थ है और अपनी भी, नीचे देख सकते हैं आप। इतना तो फर्क नहीं गिर रहा। Come on, Mendoza. Go around. Ram through it. Hang on. Whoa. अरे बाप रे। Okay? अभी ये मुझे तो सुपेट करने आ रहे हैं, सामने से आ रहे हैं। मैं बच के जाता हूँ। Whoa! Shit! Here's Dawes. Pahunch gaye. Detectives. Well, I learned two things today. You're both excellent at improvising and terrible about keeping things quiet. Sir, those scumbags knew where Leo would be. Does one of you want to tell me what the hell happened to him? It was a rough ride, Captain. Leo didn't buckle up. Is that so? Get him up! Sir, Leo was disappointed not to be meeting you personally. And it seems to me he needs to be put in protective custody. That would be my suggestion, too. And you, Detective? Huh? Are you sure that Leo was injured on the ride here? If and when you're asked, that's what you'll say? Yes, sir. I will. Good. I'll get Leo someplace more discreet. You're both dismissed! What the hell just happened? Ass covering, get used to it. He just wants to make sure we're on the same page. And what page is that exactly? Page where we find out who fucked us today. तो हो गया दूसरा एपिसोड चेकिंग आउट। इस सेकंड में तीसरा एपिसोड चालू होगा गेटर बेट। ओके तो कोक मायामी में बारिश जैसा आ रहा है और लियो को पता है कौन उसकी बाल्टी लेके पकड़ा है, ऐसा ही लिखा है। लियो ने उसका नाम बताया है शायद, वो एपिसोड चालू होने के बाद पता चलेगा। हो गया चालू। अरे नहीं अभी लोड हो रहा है। लोड होने तक रुकना पड़ेगा, तब तक मैं इसका ट्रांसलेशन करने की कोशिश करता हूँ। कोक मायामी में गिर क्या बोलते, पोरिंग को क्या बोलेंगे, गिर रहा है बारिश जैसा और लियो स्टिंग रे को पता है उसकी बाल्टी किसने पकड़ी है। अरे गया, जाने दो। तो चलो बढ़ते हैं आगे। You wanted to see me? Wanted to see me, sir? Mendoza, have a seat. Let's change things up for you too. Relax. He's not going to make you direct traffic. Well, not yet. So, Leo,
Our good friend. He told us what he knew and he walked right out the door. He came in for protection, I thought. Tell Nick what Leo gave up. Drug bales. You're shitting me. Planes go up, drugs come down. Glop, glop. Right into the Everglades. Show him. A fishing map. Whose operation is this? Some ship bird named Remy Neltz. Two years ago, this Neltz character was nothing, a blip on the radar. Now he runs the entire operation that employed Tyson Latchford. Sounds like a man of ambition. Yes, he does. I want you two to wade into that mud hole we call a national park, and find out just how ambitious he is. Sir. Why would Leo rat on his boss and then just walk out into the open? Well, Leo said he didn't feel safe around cops anymore. We're done. Actually, Mendoza, stay a minute. Of course. Your partner can be a bit of a hothead. Well, she believes in what she's doing, sir. Good answer. Sit down, son. There're gonna be some complaints about the Elmore. Excessive force, etc. Don't worry about it. I'll handle it. Well, we appreciate that. Thank you, sir. How's your mother, Detective? Sorry, sir. Your mother? I'm sure she went through a lot to get you out of Cuba. You don't become a detective, especially at your age, without a thorough background check. And you have a lot of background to check. Sir, it's all right. I know what it's like to have a shithead for a father too. Took me a long time to find my way. You're on the right path, son. Stay on it. Jesus Christ, Leo's map is confusing. The scale is all wrong, but I think this is it. Leo just gave Dawes that map. Just handed it over. Handed over an unbelievably shitty map. Yeah, but what's in it for him? That's what I don't understand. Well, he's obviously being pressured by someone or something. Whoever's dropping these bales, Leo wants us to know about it. So we can take out his competition, right? Leo knows he's done in Miami. I had to guess he's probably setting up a meth lab in Iowa right about now. What the hell were you thinking anyway, beating him up like that? Leo had an attitude problem. And we could have had an internal affairs problem. There's our girl. Take us toward the drop. तो आज के लिए इतना ही. मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फेसबुक या ट्विटर फीड पर शेयर कीजिए, या हमें कमेंट एक लाइक दीजिए. तब तक के लिए अलविदा और धन्यवाद आपके वीडियो देखने के लिए.